आज की हमारी रेसिपी है कश्मीरी आलू दम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष नारायण सिंह और मैं एक बार फिर से आप सभी का गेट इंस्पायर्ड में स्वागत करता हूं। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए ये हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इनकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उसे प्लीज़ चेक कर लें और बाकी हम इसे डालते समय आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हम ये 15 उबले हुए आलू ले लिए हैं। हमने आलू मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, बहुत बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल नहीं होता है। और उसके बाद इन आलूओं में हम ऐसे प्रिक कर देंगे ताकि इसमें ग्रेवी अंदर चली जाए। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और उस पर एक पॉट को चढ़ा देंगे। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की गंध हमको जो है या शार्पनेस हमको जो है वो अपनी ग्रेवी में नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले तेल का धुआं निकालेंगे। ये देखिए, इसमें से धुआं निकलने लगा। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये ऑफ़ कर दिया मैंने। अब हम तेल को ठंडा हो जाने देंगे और जब तेल ठंडा हो जाएगा तो हम दोबारा से गैस को ऑन करेंगे। तो ये मैं दोबारा से गैस को ऑन कर देता हूँ और अब हम फ्लेम को मीडियम लो पर रखेंगे और उसके बाद उसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये एक तेज पत्ता डाल दिया है मैंने इसमें। उसके बाद ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। एक हरी मिर्च ली है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे छोटा छोटा काट कर इसके अंदर डाल दिया है मैंने। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है तो इसे बिल्कुल ना भूलें। और ये हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बेसन। ये आपकी ग्रेवी को थिकनेस देने का काम करेगा। और ये 4 लौंग है जिसे मैंने कूट कर इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद अब हम इन मसालों को भुनेंगे। लो फ्लेम पर ही भुनिए इन्हें ताकि ये जले नहीं, लेकिन इनकी खुशबू मसालों की जो है वो आपके ऑयल में आ जानी चाहिए। 1 मिनट तक लगभग हम इसको भुनेंगे लो फ्लेम पर। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कलर देगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। पिसे हुए धनिया का पाउडर हमने डाला है इसमें। और ये 1/2 टीस्पून हमने ये जीरे का पाउडर डाल दिया इसके अंदर। और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है मैंने, जिसे हमने भूनकर पीस लिया है। और उसके बाद ये 5-6 काजू हैं जिन्हें हमने पाउडर की तरह पीस लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिए, थोड़ा पानी डाल लीजिए ताकि आपके मसाले जले नहीं। और उसके बाद अब हम इन मसालों को अच्छी तरीके से भुनेंगे जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, अब ऑयल सेपरेट हो गया। इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया, उसे इसके अंदर डाल दिया। और इसी स्टेज पर हम इसमें नमक डाल देंगे। तो अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक डाल लीजिए। इसके बाद हम टमाटर को तब तक भुनेंगे जब तक कि ये ऑयल सेपरेट नहीं कर देता है और टमाटर रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो इसे अच्छी तरीके से आप भुनें। इसमें 5-7 मिनट आपको लग जाएंगे। ये देखिए, अब इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे। इस समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें आप और इसे लगातार चलाते हुए भुनें। जब भी किसी ग्रेवी में आप दही डालें तो उसे एक तो फेंट लें और उसे लो फ्लेम पर डालें और लगातार चलाते रहें। इससे आपकी दही जो है वो ग्रेवी में फटेगी नहीं। तो ये बची हुई जो दही थी वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। और अब इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं कर देता। ये देखिए, अब इसका दही का भी ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें अपने जो उबले हुए और प्रिक करके हमने जो आलू रखे हैं उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ये आलू डाल दिया मैंने इसके अंदर। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे लगभग 2 मिनट तक हम ऐसे ही भुनेंगे। ये देखिए, लगभग 2 मिनट हो गए हैं। एक बार और चला लेता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एक आलू कोई भी आप ले लीजिए और उसे इसके अंदर क्रश कर देंगे। ये भी आपकी ग्रेवी के थिकनेस को बढ़ाने के लिए है। तो ये एक आलू इसी में से मैंने क्रश कर दिया है अच्छी तरीके से। और उसके बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें मैं 1 कप पानी मैं डाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है दम आलू में। तो ये पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। और उसके बाद अब हम इसमें दम लगाएंगे, क्योंकि ये दम आलू है। तो इसे आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और ढककर 15 मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे और ये देखिए, आपका शानदार कश्मीरी दम आलू बनकर बिल्कुल तैयार है।
इसे आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गेट इंस्पायर्ड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे एक लाल रंग का बटन है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करें और उसके बगल में जो घंटी है उस पर भी आप ज़रूर से क्लिक करें, ताकि जो आने वाले रेसिपीज़ हैं उनके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारे फेसबुक पेज गेट इंस्पायर्ड ब्लॉग्स को भी आप ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।